बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको पहले मिल सके। यहाँ पर मैंने 4 पीस स्लाइसेस के लिए हैं और इस तरह इनको कटिंग करना है, ये देखिए। और हम बीच वाले पार्ट को अलग कर देंगे और इस तरह एजेस को निकाल के इससे रिमूव कर देंगे, ये देखिए। तीन अदद मैंने अंडे लिए हैं, ये नॉर्मल साइज़ के, और ये कटिंग करने के लिए मुझे ग्रीन पार्ट चाहिए हरी प्याज का, तो ये मैं बारीक बारीक इसको कटिंग कर रही हूँ। एक अदद मैंने टमाटर लिया है और हाफ जो है मैंने शिमला मिर्च ली है। टमाटर को भी बारीक बारीक कटिंग कर लूँगी चौकोर पीस में। अगर आपके पास और भी कोई वेजिटेबल है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, और आप लोग ज़रूर बताया करेंगे कमेंट्स में हम कौन सी न्यू कोई रेसिपी लिखाएं। और अगर रेसिपी में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी। कटिंग की हुई वेजिटेबल में अंडों में मिक्स कर लूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही कुटी हुई बारीक मिर्च जो होती है। इसको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लूँगी सब चीज़ों को। अब एक पैन में मैंने 1 टेबल स्पून जो है ये बटर लिया है। आप ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा बनता है। अब पैन में ये मैं एजेस रख रही हूँ, ये बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक होगा, ये देखिए। अब मैंने जो है जो इसका ऑमलेट बना के रखा था, अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप अगर स्लाइस में है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। अब जो इसका कटिंग हुआ पीस था स्लाइस का, वो इसके ऊपर मैंने रख दिया और हल्का सा प्रेस किया है इसको, ये देखिए। अब जो बैटर मेरे पास बचा है ऑमलेट का, वो थोड़ा सा और ऊपर से मैंने इसमें ऐड किया है, ये देखिए, ताकि ये अच्छा सा, जब मैं इसको टर्न करूँगी तो ये बहुत अच्छा सा सेक जाएगा ये। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसको फ्लैप कर रहे हैं, ये देखिए। ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है चीज़ ऑमलेट बनता है ये देखिए, और बहुत ही अच्छा सा, ये देखिए नीचे जो है सिक गया है, बिल्कुल जला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जो है इसका लो रखना पड़ता है फ्लेम। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैंने कुक किया ताकि अच्छी तरीके से चीज़ वगैरह इसमें जो है वो मेल्ट हो जाए, ये देखिए। लेकिन ये फुल कुकिंग जो है वो लो फ्लेम पर ही हमें करनी है, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है ये। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, और इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा, ये देखिए हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और चीज़ भी देखिए कितनी अच्छी से इसमें ऐड हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।